गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया अनुसंधान पांच से प्रश्न संख्या प्रश्न अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में हमको रासायनिक समीकरण दिया हुआ है और समीकरण को संतुलित करना है। हम लोग पीछे वाले भी क्लासों में रासायनिक समीकरण संतुलन के बारे में पढ़ाए थे, फिर एक बार हम उसको आज भी लास्ट है उसको देखेंगे और संतुलित करेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन में कि रासायनिक प्रक्रिया में HNO3 प्लस CaOH2 ये दो अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम CaNO3 2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं, तो क्या ये समीकरण संतुलित है? ये देखना है समीकरण संतुलित है कि नहीं। अगर संतुलित नहीं है तो उसको हमको संतुलित करना है। यहां देखते हैं कि हम क्वेश्चन ए में HNO3 सबसे पहले हम क्या समीकरण संतुलन देखते हैं कि कौन ऐसा किसी अणु के कौन से ऐसा परमाणु है जिसकी सबसे अधिक परमाणुता है, तो सबसे अधिक परमाणुता को हम देखेंगे कि अभिकारक हो या प्रतिफल हो, सबसे अधिक परमाणुता किसकी है तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की है, 3×6 ऑक्सीजन 6 और 7, प्रतिफल में 7 ऑक्सीजन है और अभिकारक में आपको 3 और 2 5 ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम अधिक परमाणुता वाले परमाणु की को संतुलित करेंगे, तो हम क्या किए हम इधर 7 हो रहा है ऑक्सीजन का और इधर 5 ही हो रहा है, तो हम क्या किए HNO3 एक नाइट्रिक अम्ल जो है इस HNO3 में कि एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, यहां 2 कर दिए 2×3 6 कितना हो गया 6 परमाणु, ऑक्सीजन का 6 परमाणु और यहां ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 परमाणु ही है, 6×2 8 हो गया यानी अभिकारक में 8 परमाणु हो गया। अब देख रहे हैं कि प्रतिफल में कितना है, यहां 3×6 ऑक्सीजन का हो गया, लेकिन यहां 3×6 है लेकिन यहां ऑक्सीजन का एक ही हिस्सा ही है, हम जल की अणु की संख्या हो उसकी गुणांक को बढ़ा देंगे, यहां 1×1 के यहां 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो यहां कितना हो गया ऑक्सीजन का 2 हो गया, 2 और 6 2 8 अभिकारक में भी आठ और प्रतिफल में भी आठ। इसके बाद बाकी हम देखेंगे कि यदि यहां ऑक्सीजन का तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन 6 2 8 इधर हो गया, ऑक्सीजन 6 और 2 8 इधर भी हो गया। अब देखेंगे दूसरे अणु के परमाणु के, जैसे जल में, जल में कितना है, जल में इधर 2 है, इधर कितना है, इधर का 2 है, 2 और 1 3 3 है, लेकिन हम यहाँ 2 करते हैं नाइट्रोजन में हाइड्रोजन कितना हो गया परमाणु 2 हो गया और 2 यहाँ हो गया 4 हो गया, तो 4 हो गया तो यहाँ जल से एक अणु की संख्या बढ़ा दिया उसके गुणांक को बढ़ा दिए तो 2×2 4 4 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, जल का हो गया इधर भी 4 हो गया 2 और 2 4 इस तरह जल भी कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब देखेंगे NO3 का कितना है, NO3 में नाइट्रोजन का 2 परमाणु है इधर नाइट्रोजन का भी 2 परमाणु हो गया, नाइट्रोजन भी बराबर हो गया, कैल्शियम का कैल्शियम की परमाणुता अभिकारक में कितना है 1 है इधर भी 1 है, इस तरह हम ये इसकी गुणांक को बढ़ा करके इसकी रासायनिक समीकरण का हम संतुलन करते हैं। नंबर बी सोडियम NaOH प्लस H2SO4 ये मिलकर क्या बना है सोडियम NH2SO4 प्लस H2O, इसमें हम क्या देखते हैं कि सोडियम की परमाणुता बराबर नहीं है, जल की परमाणुता तो क्या है 2 है इधर 3 है इधर कितना है 2 ही है 3 है, सल्फर का क्या परमाणुता है 1 है सल्फर का परमाणुता 1 है, कुछ ऐसे भी अणु में कुछ परमाणु है जिसकी बराबर नहीं है, इसीलिए हम बराबर करने के लिए क्या किए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक अणु में सोडियम का 1 परमाणु ऑक्सीजन का 1 परमाणु हाइड्रोजन का 1 परमाणु, हम 2 कर दिए सबका 2 2 हो गया, तो हम देख लिए सोडियम का 2 परमाणु हो गया, इधर देखिए सोडियम का 2 परमाणु है बराबर हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया 2 परमाणु और ये 4 6 परमाणु हो गया, इधर देखिए ऑक्सीजन का 4 है और चूंकि जल के अणु को बढ़ा दिया गया 2 कर दिया तो 4 ऑक्सीजन का 4 और ऑक्सीजन का यहाँ 2 4 2 6 हो गया दोनों बराबर हो गया, इस तरह हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं, यह हुआ हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इस आधार पर ही हम लोग आपको सी और डी को क्वेश्चन नंबर
प्रश्न अभी चौथा क्वेश्चन नंबर सी अवधि को संतुलित करेंगे। प्रश्न संख्या छह सी अवधि को संतुलित करेंगे क्योंकि होमवर्क में दिया गया है, इसको आप लोग संकलित करके होमवर्क कॉपी में बना दीजिए। थैंक यू।